अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुश हो? आज आपको मैं बताऊंगा फिजिकल पूरा, मतलब चेक करवा के बताऊंगा कि गाड़ी को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करानी पड़ती हैं। सबसे पहले बॉडी चेक होगी। बॉडी चेक के लिए आपको पेंटर के पास आना पड़ेगा। मेरा पेंटर है मुकीम भाई, है आए हैं या नहीं है वो देखते हैं। ऑटो रिफिनिश उन दस वर्कशॉप, देखें इनके पास आते हैं, इनको बॉडी चेक कराते हैं। और धूप में कभी भी गाड़ी चेक नहीं होगी, छांव में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको गाड़ी पूरी चेक करनी है। पूरी कैसे चेक होगी? अच्छा या दिला है, चलो चलो मैं देखो क्या करता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपको गाड़ी पूरी चेक करनी है। चेक कैसे करनी है ये आपको बताता हूँ। गाड़ी को ऐसे चेक करते हैं, देख रहे हैं, मतलब बॉडी पूरी चेक कर लो, कहीं निशान लकीर कहीं तो नहीं है। और आपको कोई हीरो नहीं बनना फजूल में, क्योंकि आपको टचअप पता नहीं चलेगा। अच्छे अच्छों को नहीं चलता, चलता भी है तो फिर शक के तो फिर पेंटर के पास जाना पड़ता है। और दूसरा है ये टायर देख लें, इसके टायर तो ओके हैं, कौन से हैं? डल्लों पे ओके हैं, आप देख सकते हैं, सही है। और दूसरा है कि टिकली, ये जो टिकली होती है ना ये वाली, ये इसको देखा करें गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि ये टूटी हुई होती है तो ज़्यादा होती है या कहीं से किनारे से टूटी हुई, फिर उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है लेने वाले में, लेने बेचने के टाइम पे, ख़रीदने में टाइम पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। दरवाजे खोल के भी देख लेना अंदर से, सही है। फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा अगर 19-20 हो तो के लिए माजरा। अंदर देख लेना कहीं रस्ट वगैरह ना हो, उसमें मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर आपको मैं नहीं दिखाऊंगा इसलिए हम बिकी की बात नहीं करेंगे। अच्छा बम्पर इसके ओरिजिनल है, शायद मैं कलर कराऊँ उसकी वजह से, ये है ये है, कलम भी इसको हो सकती है, कॉस्मेटिक है, सिविक है, एक किस्म का रिव्यू ही हो रहा है। 1.8 IVTEC, लाइटें वाइटें देख लो, टूटी हुई तो नहीं है, लाइटें सही है, इसको भी कलम हो सकती है। ये साइड देख लो पूरी, इसमें भी आप देख लो, चारों दरवाजे खोल के हमें देखते हैं अच्छी तरीके से। ओके हो गया, अभी सफाई गाड़ी की रहती है। नीचे देख लो, ओरिजिनल स्पीकर लगे हुए, स्टेपनी व्हील भी देखनी है, सही है, सीएनजी लग के उतरा हुआ है या क्या वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, या सुराग होते हैं चार, उसमें तो खैर सीएनजी लोग कम ही लगाते हैं। ये भी पेंट होगा, ये देख रहे हैं, ये कलर उड़ा हुआ है इसका। बोनट देख लो उसका, मुंह देख लो गाड़ी का, सही है बिल्कुल। नंबर में अगर हटाऊँ तो देख सकते हैं। ओके लाइट्स भी देख लेना, क्योंकि लाइट अगर टूटी होगी तो बहुत महंगी है इसकी लाइट है, वॉक लाइट तो उसमें होती ही नहीं। ग्रिल वगैरह भी देख लो सब ओके, बोनट खोल दें, इंजन रूम में ये सारी चीज़ें देख लेना, ये है सामने। अभी तो तैयार मैंने की नहीं है गाड़ी, वीडियो की वजह से आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने ये पूरी देख लो कि कहीं से टूट फूट तो नहीं है, सामने देख लो सारा नीचे अंदर तक ओके, और अंदर डोरी वोरी जो भी है। अंदर से जो रूम है, रूम कैसे देखना है? रूम भी ऐसे ही देखना है, यूजी नहीं है, देख रहे फैब्रिक है, ये है। और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट सही हुई है बिल्कुल, एसी का थ्रू चेक कर लेना। ओके टेप मैंने चेक किया था, सही है, अभी गाने इसमें लगे हुए नहीं, मैंने आपको चेक करा था, FM लगा हुआ है। ओके चारों स्पीकर चल रहे हैं। छत भी देख लो, क्योंकि छत गंदी होती है ज़्यादातर गाड़ियों की ना, इसकी साफ़ है, ठीक है। इसका होंडा का एम्बलम ये देख लेना, क्योंकि ये जो है इसका क्रोम गया हुआ होता है ज़्यादातर, बाकी ये चीज़ें देख लेना घसी हुई ना हो, ये ओके है। हैंड ब्रेक वगैरह भी बिल्कुल सही लग रही है, कोई चीज़ टूटी फूटी कहीं से भी नहीं है, ओके। खैर मैंने तो देख के लिए, आपको सिर्फ वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर है, CVT नहीं है, सिर्फ ऑटो है। तो उसको इसकी जो गियर है उसको आप चेक कैसे करेंगे? खड़ी करके रिवर्स में डालना है, गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करना है, सही जा रही है तो ठीक है, वरना फिर इसको आप D3 पे करो, सामने देखो D3 आ भी रहे, ठीक है। उसके बाद 2 पे कर दो, ये मैंने 2 पे कर दिया, अब चल रही है गाड़ी। और 1 पे भी करना है इसको, ज़रूरी है, क्योंकि चलते हुए करना है, ब्रेक मार के नहीं करना, चलते हुए। अभी मैंने 1 पे किया तो RPM थोड़ा ऊपर आ गया, गाड़ी रेस भी पकड़ ली, सही है। मैंने तो हाईवे पे ये पूरी चीज़ चेक की है, क्योंकि ऑटो है तो उसको सारी गियर में आपको चेक करके और ये चेक करना है कि गाड़ी सारे गियर में चल रही है, ठीक ठीक हो गया।
सस्पेंशन कैसे चेक करना है, सस्पेंशन की भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाड़ी जो है क्या कहते हैं इसका गेयर बॉक्स जो है उसको, ये तो एक स्टेप है चेक करने का, दूसरा स्टेप उसका ये है कि गाड़ी डी पे करके आपको खुद को महसूस करना है। यार गेयर का जो सिस्टम है ना वो आपको करके चेक कराता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बननी है तो प्रॉपर वीडियो बने ना कंप्लीट। अभी ब्रेक मारता हूँ यहाँ पे, सही है ब्रेक मारा, गाड़ी जीरो हो गई, ठीक है अब 3 2 1 स्टार्ट, सही है पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, सही है अलग रहे ट्रैफिक छोड़े हमें गियर चेक कराए आपको, चौथा गियर सही है आप आरपीएम चेक करिएगा, पाँच छः यहाँ पे शायद ना लगे, 57 पे गाड़ी चल रही है, बॉस हमारा आगे जा रहा है, बॉस मैंने आपको बोला गया गियर फिर से मैंने तीसरा कर दिया, अब ये चौथा हो गया, अबे भाई चौथे पे चल रही है क्योंकि 70 तक जा रही है ना, क्या करें भाई, यही है एक गियर और लग जाएगा, ऐसे आपको चेक करना है, बाकायदा आपको चेक करना है, बाकायदा आपको इसे चेक करना है, और तक कम से कम भी आप 10 मिनट तो ड्राइव इसको करो गाड़ी को ना, मतलब ड्राइव में जो है ना कम से कम भी 10 मिनट, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बंदा अगले के चक्कर में मतलब गाड़ी वाले के चक्कर में आगे से जाके बस पिकअप देख के और गाड़ी घुमा के लेके आता, ऐसा नहीं होता, पेडल हिलना हिलते हैं फिर वो बड़ा सीन होता है, गाड़ी थी हम रिबर्ट उसका आपको एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ, उसका ये वाक्य और ट्राई में तो वो सही थी, हमने इसको क्या किया क्योंकि सिविक थी तो हमने इसको अच्छी तरह भगा भगा के देख लिया, हमने बोला बस गाड़ी इसके जैसी है ही नहीं, जब गाड़ी स्लो चलाएं तो गाड़ी में वाइब्रेशन ही नहीं जाए, एक्सलों में आवाज़ है वो, तो उसके बाद ये सीखा हमने कि गाड़ी को बिल्कुल ईजी मतलब ओके चेक करना है, 10 मिनट कम से कम भी जो है वो चेक करना है गाड़ी को बिल्कुल ईजी ओके, भले कोई साथ हो या नहीं हो। थोड़ा पी ओ वी आपको देता हूँ, उसका पी ओ वी बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, इसका मैं रिव्यू बनाऊंगा उसमें आप देखिएगा इंशाल्लाह। भाई ये पूरी जो चीज़ है ना मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मतलब कि हाउ टू बाय अ कार, हाउ टू बाय अ यूज कार इन पाकिस्तान, तो उसमें कोई चीज़ रह भी सकती है नहीं, अगर रहे तो आप बताइएगा मुझे कि तार भाई ये नहीं ऐसे होता है, फाइल चेक मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो चेक करना, वो हम अलग करेंगे इसमें नहीं करेंगे, उसमें मैं भी खुद जो है वो भी हल्का सा कच्चा हूँ, हल्का नहीं कच्चा हूँ, तो मैं खुद वो रिस्क नहीं लेता, वो मैं किसी फाइल वाला जो एजेंट होते हैं ना उनसे मैं चेक कराता हूँ, वो 500 रुपये फीस होती है उनकी, यहाँ पे हैं 2-3 हैं उनसे हम चेक कराते हैं कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो अभी देखिए मैंने फुल टर्न किया गाड़ी, टर्न की तो कोई आवाज़ वगैरह मुझे नहीं आई, ये सी पावर गोट है, अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा पावर गोट, मिर्ची 360 डिफेंस पीछे उसके सामने, ख़राब रोड है फुल यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं खड्डों वाले रास्ते पे हम चला रहे हैं, इसको कोई आवाज़ नहीं है सस्पेंशन में से, गाड़ी बिल्कुल सुन है, तो कहीं भी ख़राब रोड पे चले जाओ ताकि आपको अंदर से आवाज़ें आए, ये तो वैसे भी हार्ड है गाड़ी, होती हार्ड है पर इसमें सुन लगी पड़ी, आप देख सकते हैं पेंटर पे आया हूँ, रिजवान भाई भी चेक कराते इसको बॉडी, जैसे मैंने आपको कहा था ना छाव में चेक होगी, तो एक साइड पहले चेक हुई, अभी ये चेक करें पूरी हाथ वाथ मार के, वो उनकी टेक्निक है वो कैसे चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं लेफ्ट साइड फिर राइट साइड जो है वो चेक होगी, और वो बम्पर का मुझे कह रहे हैं कि जो है टचअप होंगे कलम नहीं होंगे ज़्यादा ख़राब है, मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं लग रहे इतने ख़राब, लेकिन मेरे इसलिए थोड़ा सा बम्पर कलर पे कर रहा हूँ कि वैसे तो मैं करा देता हूँ, ग्रे रिबन के भी मैंने कराए थे, ब्लैक एल्टिस एसआर के भी कराए थे कि ख़राब थे, इसके इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि इसके जेन्युइन है और फिर वो सिर्फ लकीरें हल्की फुल्की है ना, तो उसको हम कलम भी करेंगे तो सही हो जाएगा, पर इनकी बात भी सही है कि फ्रेश लुक हो जाएगा, फ्रेश लुक के ही सारे पैसे होते हैं, पेंटर जो है वो कोई 500 लेता है कोई 1000 लेता है, वो उस पर है डिपेंड करता है, वो बड़ी गाड़ी होती है तो वो 1000 भी ले लेते हैं स्पोर्टेज वगैरह में, पर कुछ कह नहीं सकते 500 भी लेते हैं,
कुछ नहीं भी लेते जानने वाले होते हैं जाहिर है। अभी जो है मेरा दूसरा पेंटर है, दोस्त है, पेंटर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, पेंटर मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत सारों से बम्पर वम्पर का काम करा है। तो अभी जो है उसमें जा रहा हूँ, एक दूसरा है उसको चेक कराता हूँ, अपनी फिर से तसली हो जाए ना, एक से दो को बंदा चेक करा ले सही है। और हाँ, अंदर से जो है इंटीरियर में, क्योंकि इसके एयरबैग ऐसे होते हैं, सामने एयरबैग अंदर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो आप हाथ मार के पूरा ऐसे गहराई में चेक कर लो कि कोई खुला हुआ तो नहीं। और वैसे भी ये तो अगर बना हुआ भी होगा तो ये अलग से ही नज़र आएगा, उठा हुआ नज़र आएगा। भाई इसकी जो बॉडी है ना, आप देख सकते हैं, देखिए कितनी वो है, कितने स्क्रैचेस है गाड़ी में, स्क्रैच मतलब वो जो है ना, ये देखिए भरे हुए, इसको तो सख्त पॉलिश की जरूरत है, सख्त। अब ये जो आपको शेड में पानी पानी के धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे जाएंगे पॉलिश में। भाई चेक मेकिंग हो गई जो भी थी, और आपको फ्रेम नंबर और इंजन नंबर जो होता है ना, वो भी चेक कैसे करते हैं, आप मैच कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और CPLC होता है, ये नंबर आप देख रहे हैं नीचे जो लिखा हुआ है, इस पर बंदा कॉल करता है सही। हमने तो कर लिया था रात ही, क्योंकि गाड़ी ऐसे हम लेते नहीं, लेने से पहले CPLC ज़रूरी होती कराना। और ऐसे ही ना वजात भाई भी हमारे साथ हैं, क्या हाल है, खुश हो, अल्लाह का शुक्र। और CPLC कराने के बाद क्या होता है, काउंटर नंबर बताते हैं ना, काउंटर नंबर और मार्क्स वगैरह, उससे पता क्या चलता है CPLC से, PDS रिकॉर्ड पता चलता है कि गाड़ी किसी के राम वगैरह में तो यूज नहीं है। सही है, बाकी तो आपको पता है नहीं, पता ना उसकी तो वीडियो बना रहा हूँ। और कोशिश करें कि लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी को ले जाएं, हम तो भी जा रहे हैं वहाँ पे, जो है वो उसकी जो फाइल है वो बंदे से उठानी, क्योंकि सौदा रात किया था ना, चेक वेक करा के फाइल देनी है, लेनी है उनसे, मीरपुर रोड है, गाड़ी कहीं खींच भी नहीं रहे ना, आप देख सकते हैं अभी मैं हाथ छोड़ भी रहा हूँ तो बिल्कुल सीधी जा रही है, कोई इशू नहीं है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। और AC की चिलिंग भी ओके, बिल्कुल अभी चेक कर लिया। अच्छा, तो और कुछ कहेंगे आप वीडियो में कि गाड़ी चेक करने के कोई टोट के कोई या क्या, सही है जो कुछ बचेगा। अच्छा, कंप्यूटर जो लोग लगवाते हैं वो भी सही है, भले आप लगवाओ, 1000 रुपये फीस होती है, सेंसर वगैरह हाँ, चेक कर, सिर्फ वो चेक करके बताता है कंप्यूटर के, मतलब कोई इशू तो नहीं है। लोग समझते हैं कि कंप्यूटर उसको सही करता, सही नहीं करता, वो मसले पे पहुंचाता है कि भाई ये इसका मसला है, दवाई नहीं देता, वो सीधा मसला बताता है कि ये है, और रिफ्रेश करता है, बाकी कोई मसला हल नहीं करता, वो आपको करना पड़ता है, वो आपको सिर्फ उस डायरेक्शन में पहुंचाता है कि भाई इस इंजन में, इस सेंसर में मसला है, ये चेंज करो या रिप्लेस, या उसको बनाओ, रिप्लेस करो या बनाओ, ये सीन होता है। सभी जा रहे हैं, एवरेज मैंने रिसेट किया तो 16.9 पे आ गया, पहले 8 पे आ गया, थोड़ी सी खींची थी गाड़ी, वैसे तो क्या कहते हैं 20 पे आ गया था, देती है या नहीं देती आजाद भाई तो बोल रहे देती है ना जी भाई, खींचो नहीं तो देगी। सही सुकून से चलाओ, सही है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ आपको इसमें ब्लॉग में मेंशन करता हूँ कि भाई टचअप और जेन्युइन गाड़ी में, मतलब वो आपकी चॉइस है, आप लो या नहीं लो, पैसों में आपको सही मिली तो आप टचअप भी ले लो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ नहीं लूँ, सही है, फुल मतलब सही पैसों में मिल रही है, इन्वेस्ट वाले हिसाब में सही मिल रही है टचअप गाड़ी, ठीक है, वरना मैं फजूल में से हाथ नहीं डालता, मना कर देता हूँ, गाड़ी देखता ही नहीं, वो हर किसी की पसंद है, मुझे पसंद नहीं है टचअप गाड़ियाँ। वजाद भी बैठा है, वजाद आपको पसंद है टचअप गाड़ी? नहीं भाई। मतलब आप शौक से लोगे? नहीं, कभी भी नहीं लेंगे ना, अल्लाह ना करे कभी भी नहीं लेंगे, वो एक हर किसी की अपनी होती है कि यार किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद। बाकी ये बोल देना कि यार टचअप गाड़ियों का बाहर नहीं है यहाँ पर है, और भाई है भले पर हमें पसंद ही नहीं है, तो टचअप गाड़ी का लुक ही एक अलग होता है, वो हमें पसंद नहीं है, ओरिजिनल का हमें पसंद है, ये मसला है। फाइल लेने गया था वो मिल गई, अभी घर आ गया हूँ, और गाड़ी जो है वो बम्पर पेंट के लिए थी, मैंने सोचा था नहीं कराऊँगा पर करा रहा हूँ फ्रेश लुक के लिए। हाँ, तो अभी क्या करेगा, निकाल के दिखाएगा? हाँ, निकाल के दिखाऊंगा। तो ये काम ही करीम का है यार, भले करीम का, वो कौन सा जानता करीम है, मैं बस ये लाइट खोलूंगा मैं, अभी अभी ये लाइट आपकी खराब है। हाँ चल, ये मैंने
टायर भाई की गाड़ी खोली है, इसकी लाइटें वाइट ये देखो आपके सामने बिल्कुल खराब। खराब मतलब इसको सिर्फ रेग माल लगेगा, रेग माल लगेगा, सैंड पेपर और फिर वो पॉलिश होगी। ओरिजिनल लाइट है, अभी तक नहीं खुली है। हां जाहिर है खुली नहीं। हां ये अभी तक ये खुली नहीं अभी तक। हां ओके ओके, अभी इसको बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये जो है ना बनाऊंगा, देख रहे हैं गंद कचरा जो पूरा निकलेगा। सही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी ये बिल्कुल जीरो की तरह बना दूंगा। बाकी अभी काम चल रहा है इसका। इसके बम्पर में पहले नहीं करा रहा था कलर के ओरिजिनल पेंट में, लेकिन बहुत ख़राब है जो है ना, फ्रेश लुक है। हाँ लुक में आ जाएगी, फ्रेश हो जाएगी गाड़ी। और मुकीम भाई भी साथ है हमारे, इसके अपन बम्पर कलर करेंगे दोनों, पूरी गाड़ी डिटेलिंग करेंगे, पॉलिश करेंगे। सही, उसके बाद गाड़ी देखना। हाँ उठ जाएगी गाड़ी पे, ये जो कलर फट रहा है और ये निशान वगैरह मक्खी के मच्छर के पत्थर हो गए, हाईवे पे जो गाड़ी चलती है पत्थर के छोटे छोटे निशान आते हैं, बम्पर खराब हो जाता है, उसकी वजह से अपन बम्पर करेंगे बिल्कुल जेन्युइन। सही, वो आफ्टर में आपको दिखाऊंगा, जब हो जाएगा ना तब भी दिखाऊंगा। और कौन सा पेपर लग रहा है? 1000 का, 800 के बाद दूसरा लगेगा, 1000 उसके बाद पॉलिश होगा ग्राइंडर पे। करीम भाई हमारे साथ, क्या हाल है करीम? खुश हो तब सही है, हमेशा हंसते रहते हैं। और करीम असरा क्यों है? हाँ असरा भाई, खोलनी वोलनी नहीं है लाइटें? सही है तो यार, लोग पूछते हैं ना गाड़ी तैयार कैसे करते हो, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे करते हैं वीडियो, ओ सॉरी गाड़ी तैयार में ऐसे करते हैं। हो रही है चल रही। ये बम्पर और लाइट वाइट जो भी पहले होती है, उसके बाद जो है गाड़ी डिटेल करूंगा मैं खुद अंदर से पूरी, फिर होगी पॉलिश। इससे में तो है ही नहीं काम, क्योंकि अगर होता तो वो पहले करा देता इन सब चीज़ों से पहले। ये मेन रोड है, सही है, अगर आपको ये काम वाम कराना हो ना तो आप इधर आना, मारवी लांग सामने थोड़ा सा आगे अब्दुल्ला कॉर्नर बिल्डिंग है सामने, पराठा 09 यहाँ पे इनकी शॉप है। करीम ये कर रहा है, ये लाइटें बम्पर सेटिंग हो, कलर ये नहीं करता ना, वो करता है लॉपी, सिर्फ सेटिंग करता है, जैसे सेटिंग से मुराद वाली गाड़ी के बराबर पीछे लगी हुई गाड़ी। हाँ ये देखो पीछे से लगी हुई ना ये गाड़ी, फला ने रैम किया इन पे, किसी की गाड़ी चुकी है तो ये भी ये बना रहा है। देखो फुल काम करता है, अपनी रिवर्स में काम नहीं है, ये बम्पर की साइड वाइड सब ओके है, अगर 19-20 होती तो ये सारा मेंस ही बनाता हूँ, पर A1 काम होता है इसका। करीम का, करीम है वो जो पहले आए थे कलर वाले, वो मुकीम भाई हैं, उससे पहले जो आए थे वो अजीम थे। हाँ पहले इसकी सेटिंग वेटिंग होगी सारी बम्पर की, ये खुद करेगा, अगला बम्पर थोड़ा आउट था साइडों में तो लाइटें साफ होके लगेंगी, फिर कलर का काम शुरू होगा, वो जो लापी वापी पॉलीगेट वगैरह होता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इंजन की हमने बात क्यों नहीं की, कि इंजन कैसे चेक करें। भाई इंजन चल स्टार्ट करके गाड़ी को, ये जो होता है ना इसका ऑयल जिसमें डालते हैं, उसको खोल के चेक करना होता है कि वो उसमें बदबू वगैरह तो नहीं, यार स्टार्ट नहीं करना ऐसे ही चेक करना, और गेज निकालते तो गाड़ी ब्रेक तो नहीं मारी, और स्टार्ट करके रेस कर लो, रेस दो उसको 2-3 दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से, साइलेंसर से देखो धुआं तो नहीं आ रहा, ऐसे चेक होता है। इंजन नहीं समझ आए तो मिस्त्री को दिखाओ। पिछले बम्पर वो भी लगा रहा है सैंड सैंड पेपर, भाई अभी ये बफ होंगे देख।
ओके फाइनल रिजल्ट है बिल्कुल न्यू हो गई ब्रांड न्यू। अच्छा वीडियो देख के फिर से लग गया ओके बेहतरीन। अब क्या हुआ सही है बम्पर में अगर नहीं भी करा था ना पेंट इसके नहीं कराने का मकसद ये कि ये देखें ये ना जो लाइनें आ रही हैं ये पूरी ये चोटें इसको ऐसे लगी होगी ना कोई चीज़ लगी तो ये फट रहा है इसलिए कलर करा रहा हूँ। फोक लाइट वगैरह भी हम लगाएंगे इसमें LED भी लगाएंगे लो बीम में वो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में या इसी ब्लॉग में शायद मैं कराऊँगा अकील भाई के पास चलेंगे सीट कवर भी इसके शायद मैं चेंज करूँ। अच्छी साफ हुई है तब तक रहेगी अच्छी। गिर गया ऑलमोस्ट फिट हो गया ओरिजिनल फिटिंग है। पिछले बम्पर को सैंड पेपर लग गया रेगमाल निशान होते हैं ना ये वाले इसलिए मैंने जो है पेंट कराया देख सकते हैं। और सैंड पेपर लगाया तो उसके बाद कलर में देखें कितना फ़र्क आया पूरी गाड़ी को जब लगेगा तो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा मतलब वो गाड़ी पॉलिश होगी ना ये जो गंद कचरा है पूरा खत्म होगा। अब अगले बम्पर में जो है वो अगले बम्पर को लग रहा है अभी सैंड पेपर 300 है 320 बॉडी पे तो जाहिर कहीं भी नहीं है भाई। पहला स्टेप बम्पर टचअप होने का सेंड था दूसरा जो है मैजिंग भाई बताएंगे। हाँ ये अभी ये इसके खड्डे पोलीगेट लगाऊंगा ये वाली उसके बाद मंजाई वंजाई करके फिर लापी लगाऊंगा इसको लाल वाली फिर रेल माल लगा के टेप अखबार ये लाइट वगैरह ये सारा ये ढक के इसको कलर लगाएंगे। कलर तो कल होगा ना कल कलर करेंगे आज ये मंजाई वंजाई लापी वगैरह लगा रहा हूँ इसको सही है ये ऐसे लगेगी लाते हैं। हाँ ये अजीम साहब काम कर रहे हैं सही है अभी इसकी घिसाई मनाई होगी ये अभी पहला हाथ लापी का लग रहा है पहला हाथ सही पॉलीगेट पॉलीगेट ठीक है। ये दो कलर में होती है व्हाइट कलर में भी होती है येलो कलर में भी होती है सही है हम येलो वाली लगा रहे हैं ये इसमें लचक होती है इस वजह से सही है सही। इसके बाद वो भी लगेगा ना इसके बाद रेगमार लगेगा ये घिसाई आएगी गिलासों की पॉलीगेट है। और ये करीम जो है वो बड़ी बड़ी फटी खोल के बैठ गए मेरे को तो नहीं लगता ये तरह से होगा ये ना करीम हो जाएगा जा। अबे भाई डेंटर का काम है पूरी ठुकी है गाड़ी पीछे से हाँ सिर्फ यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे लगी रह अब जो है पिछले बम्पर को फिर से सैंड लगेगा क्योंकि ये अभी है ना हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपकी जबान में मंजाई सैंडिंग होती है इसको बोलते सैंडिंग मतलब रेग माल लगा रहे हैं वही हाँ रगड़ाई सैंडिंग करेंगे इसको तो धारे वारे जो है ना सारी जान करके छोड़ी ताकि वो हाँ बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगी। क्या क्या नाम है भाई आपका मेरा फरहान अली भाई फरहान फरहान भाई साथ है हमारे हाँ इसमें व्लॉग उर्दू है ना मसला ये फरहान भाई मंजाई कर रहे हैं
ये मेहनतें होती हैं गाड़ी पे, सिर्फ गाड़ी लेके खड़ी नहीं करनी होती, ये मेहनतें होती है तब जाके गाड़ी पे रोजी मिलती है, पूरा पूरा दिन गाड़ी लेती है। रिजल्ट भी तो वीआईपी आता है ना। बोनट पे 2000 नंबर का रेगमाल लगा के चेक करें, जो इसका फीलापन है वो जाता है नहीं जाता। ग्रिंडर लगाए, बम्पर तो साइकिल पॉलिश होंगे। ये ग्रिंडर का नमूना है, ये नमूना है भाई, टेस्ट है। और वजह खुश हो, तबीयत कैसी है आपकी? ये तेरा दोस्त बैठा हुआ है, ये जो बिफोर है ये और ये आफ्टर है। एसी हो जाएगी गाड़ी जब पूरी होगी ना, तो फिर वैसे ही हमने एक टेस्ट किया है, बेहतरीन यार काम किया है। देखो ये ऊपर, ये आफ्टर, करीब से अगर आपको दिखाऊं, बेहतरीन।